मॉर्निंग। जोर से यार, अभी एनर्जी नहीं है, और भी जोर से, और जोर से। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। खाना नहीं खाया क्या? गुड मॉर्निंग। यस, एकदम एनर्जी के साथ होना चाहिए यार, है ना? सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर बीइंग हियर। आई नो यू आर एक्साइटेड, एम आई राइट? आई एम सुपर एक्साइटेड, राइट? तो आप एक्साइटेड रहते, मैं बहुत ही सुपर एक्साइटेड हूँ आप सब लोगों से मिलने के लिए यार। मेरे को सिन्हा साहब ने नीचे पूछा कि आज का क्या प्रोग्राम है, तो सच में पूछूं यार, कोई प्रोग्राम नहीं मैं करने आया हूँ यहाँ पर, सच में कोई प्रोग्राम नहीं करने आया हूँ, ना मेरा कोई पर्पज़ है। तो बोला किस लिए आए? मेरा एक पर्पज़ है कि मैं सब लोगों को देखूँ, उनसे मिलूँ, उनको महसूस करूँ, उनकी बातें सुनूँ, उनके एक्सपीरियंस सुनूँ, कुछ गिले सुनूँ, कुछ शिकवे सुनूँ, सब कुछ हम यहाँ पर सुनने आए हैं। यहाँ कोई पर्पज़ नहीं आज मेरा, मैं कुछ सिखाने भी नहीं आया हूँ यार आपको। और वैसे भी मेरा ऐसा व्यक्तिगत जानना है, मानना नहीं है सर। मैं हमेशा कहता हूँ देर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन मानना एंड जानना लाइफ के अंदर। तो मैं मानता कुछ नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, बहुत थोड़ा सा जानता हूँ लाइफ के अंदर, बहुत ही थोड़ा सा जानता हूँ। क्योंकि मानने से जो जानने की यात्रा है ना सर, जिस दिन आपने मानने से जानने की यात्रा पे आप आ गए, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट बी द सेम पर्सन अगेन, यू विल नॉट बी द सेम पर्सन अगेन द मोमेंट मानने से जानना। हम सब चीजों को मानते हैं, जानते नहीं हैं। एग्जाम्पल, परमात्मा मानते हैं, आप मंदिरों में जाते हैं, है ना, गुरुद्वारों में जाते हैं, आपका जाना यही ये तय कर देता है मंदिरों के अंदर कि आप मानते हैं। जब आप जान जाते हैं तो फिर मंदिर नहीं जाया जाता सर, फिर गुरुद्वारों में नहीं जाया जाता। जानने वाला कभी नहीं जाता सर, मानने वाला जाता है। मुझे नहीं पता ये बात मेरी आपको समझ आ रही है, अच्छी भी लग रही है या नहीं लग रही है, ऑफेंसिव नहीं हूं मैं, पर जब आप जान जाते हो तो फिर आप मंदिरों में गुरुद्वारों में नहीं जाते सर, क्योंकि जो जान जाते हैं वो तो सर खुद को जानने की परिभाषा है ना सर। तो मेरा जानना यह है कि लाइफ के अंदर कुछ स्टोरीज ऐसी हैं जो मैं 100 बार, 500 बार, 1000 बार सुन चुका हूँ, आज भी सुनता हूँ। और एक स्टोरी ऐसी है कि जो मैं पता नहीं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हर सेमिनार्स में पता नहीं 50 बार सुना चुका हूँ, पर फिर भी मन करता है कि दोबारा सुनाऊँ मैं आपको। सुनना चाहते हैं आप? ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सुनना चाहते हैं आप? यस यार, मेरे को ना एनर्जी वाले लोग पसंद है, ढिले लोग आई डोंट लाइक एट ऑल यार, ढिले पीपल आई डोंट लाइक एट ऑल। आई नीड द पीपल हु आर फुल ऑफ एनर्जी। और याद रखें यार एक चीज को हमेशा, नेवर फॉरगेट, आई नेवर फॉरगेट वन थिंग एंड आई ऑलवेज कीप ऑन रिमाइंडिंग वन थिंग अगेन एंड अगेन टू माई लाइफ। जितने भी लोगों के मेरे को चेहरे नजर आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन, एम आई राइट? जितने भी चेहरे नजर आ रहे हैं मेरे को, हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन। और कुछ लोगों को शायद क्लाइमेक्स आने वाला है मेरी तरह, राइट? तो जो क्लाइमेक्स के आसपास हैं, जिनका हाफ पिक्चर जा चुका है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो बाकी की हाफ पिक्चर है ना सर, ये आपके हाथ में, आप उसको हिट कर सकते हैं सर। तो पिक्चर को हिट करने के लिए एक ही चीज होती है सर लाइफ के अंदर, योर माइंड सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू सेट योर माइंड, हाउ यू सेट योर माइंड। तो पहले बड़ा सवाल आपसे ये पूछना चाहिए आप सबको कि जो भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम मोटिवेशन के यूट्यूब पे सुनते होंगे, इधर से सुनते होंगे, या मेरे को भी ऐसे सुन रहे होंगे, तो पहला प्रश्न आपके मन में ये आना चाहिए कि सर आपका जीवन बदला है ना? मैं बोलूँगा यस बदला सर। कब बदला? आई एम 56, लगता तो नहीं हूँ मैम, लगूंगा भी नहीं कभी, अनदर 10 ईयर्स आई विल नॉट। उसका कारण एक है मैम, बिकॉज माई माइंड सेट इज डिफरेंट एंड माई माइंड सेट हैज चेंज ओनली 4 ईयर्स बैक। यस, माई माइंड सेट हैज चेंज ओनली 4 ईयर्स बैक। सो एट द एज ऑफ 52, इफ आई कैन चेंज माई माइंड सेट, इट डज नॉट मैटर कि आपकी एज कितनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अगर मेरी लाइफ में मेरा माइंड सेट 4 साल पहले चेंज हो सकता है तो फिर आपका क्यों नहीं यार। तो माइंड सेट चेंज करने के लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, अगर वो एक स्टोरी आपको दिल में उतर जाए, चुभ जाए, तो समझना कि आज का मीट एंड ग्रीट आपका सफल हो गया आपका। वो स्टोरी मैं खुद भी शायद 500 बार सुन चुका हूँ और 500 बार सुना भी चुका हूँ, तो मैं समझता हूँ एक स्टोरी काफ़ी है पूरे जीवन को बदलने के लिए, जिसने मेरा जीवन बदलने दिया, तो वो स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनना चाहेंगे आप? स्टोरी कुछ इस तरह से, कहते हैं कि एक कुम्हार, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कुम्हार,
यार यस में ना जब एनर्जी नहीं होती ना, मेरे को लगता है हम दोनों अलग अलग प्लेनेट से आए यार, है ना? वी आर फ्रॉम द सेम प्लेनेट ना? तो एक अच्छे से बोलो यस यार. Yes. तो कहते हैं कि एक कुम्हार था, सब लोग कुम्हार समझते हैं ना. Yes. तो कुम्हार आपको पता है घड़े बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है. तो एक कुम्हार एक बार क्या कर रहा था, चिलम बना रहा था. चिलम हुक्का पीने वाली जो चिलम होती है, तो चिलम बना रहा था वो. तो जब चिलम बना रहा था तो उसकी पत्नी, जो कुम्हार की पत्नी थी, तो वो आई, उसने कुम्हार को चाय देनी थी आई. तो उसने कुम्हार से पूछा, क्या बना रहे हो? कुम्हार ने पूछा, कुम्हार ने बोला, मैं चिलम बना रहा हूं. उसने पूछा, क्यों? तो बोला, आजकल फैशन के अंदर है, आजकल बच्चे, यंग जनरेशन जो है, चिलम पसंद करती है, तो खूब बिकेगी, मैं चिलम इसलिए बना रहा हूं. तो उसकी पत्नी ने बोला, गर्मी के दिन है, चिलम क्यों, सुराही बनाओ, ज्यादा बिकेगी. तो ही गॉट कन्विंस्ड, कुम्हार गॉट कन्विंस्ड. तो उसने क्या किया, फिर से दोबारा से जितनी भी चिलम थी उनको सबको दोबारा से डाला, ऊपर पानी डाला और दोबारा से उसको गूंद दिया. तो जब गूंदा उसको तो उसने सुराही बनानी शुरू करी. तो कहते जब वो सुराही बनानी शुरू करी तो मिट्टी के अंदर से आवाज आई, कुम्हार क्या हुआ, पहले तो तू कुछ और बना रहा था, अब कुछ और क्यों बना रहा है? कुम्हार ने बोला, मेरा विचार बदल गया. मेरा तो मिट्टी की आवाज, मिट्टी ने जो बोला, सर वो घर लेके जाइएगा आप जरूर. मिट्टी ने बोला, तेरा तो विचार बदला, मेरा तो जीवन बदल गया, मेरा तो जीवन बदल गया. अगर तू चिलम बनाता तो खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती. अब तू सुराही बना रहा है तो खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी. सर विचार बदलने से ये दुनिया चेंज हो जाती. मिट्टी भी वही, कुम्हार भी वही, सब कुछ वही है. द मोमेंट यू चेंज योर थॉट, एवरीथिंग इज चेंज इन टू द लाइफ. माई डियर फ्रेंड, दिस इज द स्टोरी विच ऑलवेज डीपली डीपली टस्ट टू माई सोल. कि विचार बदलने की गेम है यार, और कुछ भी गेम नहीं है यार. तो मैं कुछ आज प्रीचिंग नहीं देने आया हूँ सर आपको, कुछ सिखाने भी नहीं आया हूँ, कुछ प्रूव भी नहीं करने आया हूँ. मैं आपको लाइफ का एक शब्द दे देता हूँ सर, जस्ट वन वर्ड. इफ यू जस्ट अप्लाई दैट वन वर्ड इन टू योर लाइफ, कम टू मी आफ्टर वन ईयर. इफ यू अप्लाई दैट मेटिकुलसली इन योर लाइफ, यू विल नॉट बी द सेम पर्सन अगेन. यू नो वॉट इज दैट वर्ड? करेज. आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, आप जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं ना, आप में इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, आपके इंटेलेक्ट की कमी नहीं है, आपके पास नॉलेज की भी कमी नहीं है. एवरीबॉडी इज वेरी सक्सेसफुल. आप सक्सेसफुल है तभी इधर आए सर, अनसक्सेसफुल आदमी तो इधर आएगा ही नहीं ना. इट मीन्स ऑलरेडी यू आर सक्सेसफुल. बट सक्सेसफुल मीन्स वट? इफ यू आस्क मी वट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस सर, मेरी डेफिनेशन सक्सेस की ये है, सवाल ये नहीं है कि आप कितने सफल हैं सर, ये सवाल नहीं है. सवाल ये है कि जितने सफल हो सकते थे क्या उतने सफल हैं, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए. और अगर आप जितने सफल हो सकते थे और उतने सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ, करेज, करेज एंड करेज. बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ करेज पीपल डाई एज अनसंग हीरो सर. पीपल डाई एज अनसंग हीरो व्हेन सो मच म्यूजिक इज लेफ्ट टू देम सर. और वैसे भी जीवन तो जाने ही वाला है सर, है ना, हाफ ऑफ द पिक्चर तो गॉन है सर, है ना. तो अभी भी करेज नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे सर लाइफ के अंदर? तो करेज जरूर दिखाइएगा जिंदगी के अंदर, ताकि लास्ट मोमेंट पर यह ना लगे कि ये मैं कर सकता था पर मैंने किया नहीं यार. ओह सर, माई गॉड, जनक जी बेंगलुरु से, क्या बात है सर. सर एक बार जनक जी खड़े हो जाइए सर. ग्रेट सर, आपके लिए कुछ कहूंगा सर मैं. इश्क सच्चा हो तो फिर राहें भी निकल आती हैं. इश्क सच्चा हो तो फिर राहें भी निकल आती हैं. बिजलियां अर्श से खुद रास्ता दिखलाती हैं सर. तो इश्क और जुनून होना चाहिए तो फिर कुछ भी लाइफ के अंदर हो सकता है सर. तो नमस्कार सर. सर संजीव सेठ मुंबई. क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच सर. आप एक फार्मा कंपनी में काम करते हैं सर, am I right? You are right. सर देखिए मेरी याददाश्त बहुत ही तेज है सर, बहुत ही तेज है मेरी याददाश्त. जी सर. सर ये जो हम बोलते हैं कि क्रिस्टल की माला या क्रिस्टल के ब्रेसलेट पहनना चाहिए, तो ये प्लास्टिक
ग्लास, स्फटिक और क्रिस्टल के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करें? मैं आपको बताता हूँ सर, जहाँ तक आपने बात बोला स्फटिक का बोला है, आपने क्रिस्टल बोला, आपने ग्लास बोला, आपने प्लास्टिक बोला, राइट? अगर प्लास्टिक का मेरे को पता नहीं है, बट जितनी भी ये सारी चीज़ें, स्फटिक हो गया, क्रिस्टल हो गया, ये बेसिकली इनकी जो रूट है वो ग्लास ही है सर। तो बेसिकली जितना ग्लास को आप रिफाइन 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 करते चले जाते हैं, उतनी उसकी क्वालिटी बेहतर होती चली जाती है सर, राइट? तो स्फटिक का मैं बता सकता हूँ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, स्फटिक आप कभी भी देखोगे तो वो मिल्की होता है सर, एम आई राइट? मिल्की होता है, लेकिन जो क्रिस्टल होगा वो ट्रांसपेरेंट होता है सर, और उसके अंदर जितनी अच्छी कटिंग होगी। अब आप पूछोगे हम कैसे डिसाइड करेंगे सर, पहली बात स्फटिक मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि उसके अंदर से लाइट कभी भी पास नहीं होती अच्छे से सर, ना नेचुरल लाइट ना आर्टिफिशियल लाइट, जो क्रिस्टल है उसके अंदर से लाइट अच्छे से पास हो जाती है सर। अब कैसे पहचाने अच्छा क्रिस्टल है सर? अब क्रिस्टल तो मेरी ट्विस्ट जरा टंग करती है सर, मैं स्वोर्स्की बोलते ना, एक स्वोर्स्की के इसे ट्विस्ट टंगर है मेरे लिए थोड़ा सा, स्वोर्स्की बोला ट्विस्ट हो जाती है मेरी टंग। अब वो भी एक क्रिस्टल है सर, 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, 5,00,000 रुपये, लेकिन हम जो देते हैं बड़ा एक बेसिक सा क्रिस्टल देते हैं। तो क्रिस्टल का मतलब ये है कि अगर उसके अंदर से अच्छे से लाइट पास हो रही, देन इट इज अ गुड क्रिस्टल। अब कैसे पता चले? जो हम आपको क्रिस्टल देते हैं, आप देखोगे उसको जब आप सनलाइट के सामने खड़े होगे, पीछे वॉल होगी, तो उसके अंदर से जब लाइट गुजरेगी तो एक रेनबो बन जाएगा सर आपका, वहां पर वॉल के ऊपर एक रेनबो बनेगा, मतलब उसका जो प्रिज्म है वो बड़ा ही ऑथेंटिक है और अच्छा अच्छा क्रिस्टल है सर वो। ठीक है, थैंक यू जी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग सर, आई एम सुरेश लक्ष्मीदास काकरिया फ्रॉम मुंबई। जी सर, धड़कने बढ़ गई है, टक 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 टक। जी सर, आपको मिलके धड़कने बढ़ गई है। ओहो, क्या बात है सर। आपका मैंने 10th अप्रैल को मिस कर दिया था जी, तो वो एक दूजे के लिए वाली स्टोरी हो गई थी, बासु सपना जैसी, कब दिन आएगा, कब दिन आएगा, कब दिन आएगा, तो एट लास्ट आज दिन आ गया हमारा। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस, वेलकम टू आमची मुंबई। थैंक यू वेरी मच सर। एंड हम इतने ही प्लेस करेंगे ऊपर वाले को कि आपको लंबी उम्र दे, बहुत सारे खुशियां दे, बस ये हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहे सर। सो नाइस। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। जी सर, प्लीज। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, सुंदर पिचाई जो गूगल के जो सीईओ है, उनका ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 8 है, तो वो सुंदर पिचाई कैसे वहां पर उस लेवल तक पहुंचे? करेक्ट सर, करेक्ट, यस जी सर। मैं बताता हूँ सर आपको, मैं क्योंकि सुंदर पिचाई से मैं कभी मिला नहीं, हो सकता है कभी मुलाकात हो, हो सकता है कभी मुलाकात हो, अगर वो मुझे अफोर्ड करे तो, अफोर्ड कर सकता है वैसे वो तो मैं उससे एक बात जरूर पूछूंगा कि ये जो आपने डेट ऑफ बर्थ ऊपर डाली हुई है, क्या ये आपकी ओरिजिनल है या ये आधार कार्ड वाली है सर? सो समटाइम्स जो हमारी डेट ऑफ बर्थ हमें गूगल के ऊपर या कहीं पर नजर आती है, मे बी द डेट ऑफ बर्थ इज नॉट दैट ओरिजिनल, सो एवरीबॉडी इज समटाइम हैज अ टू डेट ऑफ बर्थ, तो मे बी दैट इज द वन रीजन सर। तो ये उसका मेजर रीजन मेरे को लगता है, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी बात आपको मैं बताता हूँ कि जितनी मेरी रिसर्च है सर, पर्टिकुलरली जितने भी क्रिकेटर्स हैं या जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं सर, 80% मैं आपकी बात करता हूँ सर, 80% स्पोर्ट्स पर्सन की, इनको क्या होता है कि अंडर 15 अंडर 16 खेलना होता है, उस वक्त इनके कोच इनको क्या बोलते हैं, इनका ईयर मैनुपलेट कर देते हैं, क्योंकि ईयर मैनुपलेट करने से वो एज थोड़ी कम हो जाती है, तो वही एज उनकी कई बार क्या होता है कि हमें देखने को सुनने को मिल जाती है। सचिन तेंदुलकर का ड्राइवर 6 है और कंडक्टर 3 है, ऐसा ही है ना सर? 6 करेक्ट, 6-3 का कॉम्बिनेशन है सर, तो वहां पर भी हैरानी होती है ये बंदा कैसे पहुंच गया। सो यू नेवर नो वेदर दैट इज ए एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और दिस इज ए पेपर डेट ऑफ बर्थ, सो दैट मे बी द वन रीजन सर। और आपकी टीचिंग से सर मैं भी कुछ ना कुछ R&D करते रहता हूं जी। सबके लिए सिद्धार्थ शुक्ला जो अभी एक्सपायर हो गए जी, ही इज कंडक्टर इज ड्राइवर इज 3 एंड कंडक्टर इज 6, ही इज 12/12/1980 जी। तो वो आपकी जो टीचिंग है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे सर, जो हमको कहते हैं वो 100% सही बात है। नहीं, 100% तो सर कभी सही नहीं होता है, मैं अपने आप को आज भी 100% नहीं सही मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर हमारी लाइफ में थ्रू न्यूमरोलॉजी अगर हम 90% के आसपास भी चीजों को सही पढ़ लेते हैं तो आई थिंक दिस गुड, सो वी कैन नॉट बी 100%। और सर आज का बेस्ट एग्जाम्पल, हम तो सर फर्स्ट टाइम मिले हैं सर, इनको भी मैं फर्स्ट टाइम मिला, हिज नेम इज उदय, ही इज फ्रॉम अहमदाबाद, हिज ड्राइवर इज 1 एंड आई एम 9। ओह, सी द कॉम्बिनेशन 1 एंड 9 हम लोग। सर थैंक यू सो मच, वापस जल्दी जल्दी मुंबई में मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। माय नेम इज रीना अग्रवाल, आई एम फ्रॉम बॉम्बे। जी मैम, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। मैं 35 इयर्स से हार्ड वर्क कर रही हूँ एंड स्ट्रगल कर रही हूँ, एंड ड्यू टू हेल्थ कंडीशंस मैं अभी रिजाइन दी हूँ। अभी रिजाइन किया है जॉब से बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज। हाँ, तो मैंने गायत्री मंत्र, गायत्री ये पहना था
लेकिन उससे बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही हैं. मेरा पर्सनल ईयर 9 चल रहा है एंड आई एम गेटिंग पैनिक अटैक्स. सो हेल्प मी. मैम देखिए दो बातें हैं इसके अंदर. मैं हमेशा बोलता हूँ एक साइड पे न्यूमरोलॉजी है, एक तरफ आपका बिलीफ सिस्टम भी है, राइट? मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है. बिल्कुल नहीं है. मेरे को जफ्फी डाल लीजिए, कॉन्फिडेंस आ जाएगा. मैं पारस हूँ. मुझे बताइए क्या करूँ. मैंने बोला ना पहले तो मेरे को अगर आप जफ्फी डालेंगी ना तो कॉन्फिडेंस से लबा लबा पारस हूं मैं. मेरे को छू भी जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको. बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, आई एम गेटिंग अटैक नाउ. नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा मत सोचिए मैम. देखिए क्या होता है कि लाइफ में सबसे पहले ना आदमी का कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उनका कॉन्फिडेंस ये है. अभी आपका पर्सनल ईयर 9 है ना, तो जैसे आपका पर्सनल ईयर 1 आएगा तो मुझे लगता है वहां से भी चीजें आपकी चेंज जरूर होनी शुरू हो जाएंगी. मुझे ऐसा लगता है, राइट? दूसरा मैम, कॉन्फिडेंस की कोई ऐसी दवाई नहीं है जो मैं बोलूँ केमिस्ट की दुकान पर जाइए और खा लीजिए. ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी है, राइट? अपने ऊपर ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा. अब बोलोगे मैं शैटर्ड तो ट्रस्ट कैसे करूं? उसके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूं, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है, मैं कभी शेयर भी नहीं करता हूं और आज भी नहीं शायद शेयर कर पाऊंगा आपके साथ साथ. जैसे आज आपकी आंखों में आंसू, जो आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक आज से 6 साल पहले मैं इसी कंडीशन में था, सेम मे बी इससे भी वर्स्ट कंडीशन में था 6 साल पहले. कैन यू बिलीव इट? आई वॉज इन द सेम कंडीशन 5 or 6 ईयर्स बैक. सेम कंडीशन सर, इवन वर्स्ट देन दिस सर. तो मेरा क्या बिलीफ सिस्टम रहा होगा सर उस वक्त? सेम पर्सन था सर मैं, सेम बिलीफ सिस्टम में. आप सिर्फ एक छोटा सा काम कीजिए मैम, आपको ना मेरे हिसाब से न्यूमरोलॉजी की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस की ज़्यादा जरूरत, वास्तु की भी ज़रूरत नहीं है. आप एक अच्छे से सुबह एक मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए, आप उनको उतारिए अपने जीवन के अंदर, स्पिरिचुअलिटी को देखिए, वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेगी मेरे हिसाब से. आप आधा घंटा अपने ऊपर जरूर लगाइए. बोले तो मैं नाम भी रिकमेंड कर सकता हूँ आपको. कुछ नहीं हो पा रहा है. आपका पैशन क्या है? आपका पैशन क्या है मैम? लाइफ के अंदर आपको लगता है यार मैं ये काम करूं तो अच्छा होगा? Because 35 years I struggle and now I'm coming to a stage where I can relax. My body is not letting me relax. So I'm getting all these attacks. What my you know spirituality or what my study says, your body is commanded by your mind. Your mind जो है ना आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है. आपकी बॉडी आपके माइंड को नहीं कंट्रोल करती, वो बाद में होती है. पहले आपके माइंड को आपको लगता है कि मेरी बॉडी बिहेव अच्छा से नहीं कर रही. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस थॉट दैट योर बॉडी इज नॉट यू नो अलाइंड विद योर माइंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंड मैम. आधा घंटा सुबह लू के अंदर बैठ के ना एक अच्छे मोटिवेशन को जरूर सुनिए, स्पिरिचुअलिटी को जरूर सुनिए. उससे मुझे लगता है कि आपका शायद ज़्यादा बेहतर कल्याण हो पाएगा. एंड नेक्स्ट ईयर आपका पर्सनल वन आने ही वाला है, तो हो जाएगी बल्ले बल्ले, डोंट वरी मैम. और आज आपने मेरे को जफ्फी डाल दी, चिंता मत कीजिए. थैंक यू, थैंक यू सर. क्या कहूँ, इतना खुश हूँ मैं कि बोलना है वो भी भूल. जी जी मैम, आप बहुत अच्छी लग रही हैं. पुणे से हूँ. थैंक यू. आज बहुत अच्छी लग रही हैं आप. लेकिन मैं पुणे से हूँ, पूजा उपाध्याय, हाउस वाइफ थी सर. हस्बैंड डॉक्टर है मेरे. और फिर मैंने लॉकडाउन में आपका कोर्स किया और एक साल ही हुआ, एकदम उन्होंने बोला कि तू कर कर सकती है, तो मैंने किया और लाइफ चेंज, वर्किंग वुमन हो गई सर. ओ ग्रेट, जोरदार तालियां पूजा के लिए. यस. और पिछले साल से ही मैंने यानी सब घर के रिलेटिव्स वगैरह चालू किए सर. मैंने 400 या 500 तक मैं पहुंच गई हूँ चार्ट देखने. वेरी नाइस, वेरी रिलेटिव, वेरी नाइस. रिलेटिव्स के देखे, सब देखे, फिर एरिया वाइज चालू किया तो लोगों को इफेक्ट आने लगे सर. अब मेरे एक क्लाइंट थे स्टार्टिंग, फर्स्ट क्लाइंट 32 मैंने पे किया उनसे. 3200 लिया आपने? अरे ये हुई ना हिम्मत, मेरी वाइफ फीस है. बहुत बढ़िया, 3200 इज अ रीजनेबली गुड फी. यस आई विल से. और फर्स्ट क्लाइंट थे कि लॉकडाउन से दो साल हो गए वो घर से बाहर नहीं निकल सकते. फिर उनको मैंने यंत्र दिया, ब्रेसलेट दिया क्रिस्टल, और चेंज हो गए वो. रेमेडीज वगैरह बोली आपने दी हुई सर, और वो घर से बाहर निकलने लग गए, वॉकिंग करने लग गए और खुश. फिर वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई वो एरिया में. फिर धीरे 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 यानी पैसे आ रहे हैं ना मैम? ऐसे आ रहे हैं अभी. पैसे आने और सर फीडबैक इतने गुड आ रहे हैं कि टू मच लोग ऐसे फीडबैक देते हैं. देख ले कहीं आंखें तो नहीं लड़ा बैठे कहीं बाहर जाके और इधर उधर यंत्र कहीं. आपसे आंख लड़ाई है मैंने? नहीं नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बाहर चले गए हैं. कई बार क्या होता है यंत्र पहनने से आदमी ऐसा तो नहीं बाहर कहीं आंख मटका कर रहा है तो साइड इफेक्ट भी आ जाता है कभी यंत्रों का.
इफेक्ट की बजाय साइड इफेक्ट भी हो सकता है। यंत्र इतना पावरफुल है और जो अपना ऑरा होना चाहिए या सामने अपने को देख के लोग खुश होना चाहिए, जैसे वैसे लोगों को फील होने लगा और ब्लेसिंग्स आने लग गई कि मैम आपसे मिलके बैठने के बाद इच्छा ही नहीं होती मेरे को उठने की आपके पास। एक घंटा क्लाइंट उठता नहीं सर, 45 और फिर उसके बाद मैं बहुत खुश हूँ और मुझे आपसे मिलना था। पहले जब मैं यहाँ आई किया मैंने वास्तु कोर्स, बट आई वॉज इंस्पायर्ड बाई हिज न्यूमरोलॉजी कोर्स। आई सेड चलो अब वास्तु हो रहा है तो उनका चेहरा तो देखने मिलेगा, आई वॉन्ट टू बी इन दैट वाइब्रेशन, यू नो। सो आई वेंट एंड डिड हिज वास्तु, बट प्रैक्टिस करती हूँ फिर भी न्यूमरोलॉजी। फिर इवेंचुअली आई डिड हिज वीडियो ट्यूटोरियल्स इन न्यूमरोलॉजी और मैंने फिर अपने नेम स्पेलिंग चेंजेस किए। मेरे पास 5 नहीं है, 4 है, 6 है, मैंने थोड़ा चेंजेस किए। फिर मैंने श्री धनंजय जी से पूछा कि देखो मैंने ये ऑप्शंस निकाले हैं, ये चलता है क्या? प्राची पी मेहता। सो आई वाज लाइक प्राची पी मेहता, वो तो मेरे फादर का नाम है, अब हस्बैंड का नाम हटाना पड़ेगा। सो देन आई स्पोक टू माय हस्बैंड कि देखो मुझे शाह तो निकालना है बट मुझे पी डालना है, बट मुझे डिवोर्स मत देना उसकी वजह से। सो ही इज लाइक इफ यू बिलीव इन इट डू इट, इट्स ओके, आई वोंट फील बैड। आई सेड नो, बट इफ इट वर्क्स फॉर मी आई विल चेंज इट इन ऑल माय डॉक्यूमेंट्स। पहले सोशल मीडिया पे चेंज करूंगी, बाप का नाम वापस लेके आऊंगी, आपका नाम निकाल रही हूँ। सो ही इज लाइक नो नो इट्स कूल विद मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 months ago I did the changes, I also double checked with him and then I did Prachi P. Mehta on social media. 4, 5, 6 का पूरा combination बन गया। 1.5 साल से वैसे भी उनके videos देख के 5 की remedies करती जा रही हूँ हर बुधवार को, जो भी मुझे करना है वो मेरी secret है। But वो उसके बाद मैं बहुत डरी हुई थी एक हफ्ते, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, लोग पूछेंगे ये शाह से मेहता क्यों बन गई। आई हैड ऑल दीज थिंग्स बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मतलब डाउट नहीं था बट थोड़ा सा एक एंगजाइटी थी कि कोई पूछेगा कि क्या हो गया, सब ठीक है ना घर में, किसी ने कुछ पूछा नहीं, शायद नोटिस भी नहीं किया होगा। एंड सडनली देयर वाज अ बराज ऑफ इंटरनेशनल क्लाइंट्स फॉर कंसल्टेशन, दुबई से, अमेरिका से, इधर से उधर से चलते ही जा रहे हैं। मतलब आई एम लाइक ये हुआ क्या, पी मेहता या यू नो व्हाट हैपेंड। बट आई रियलाइज इट वाज माय फेथ इन न्यूमरोलॉजी, इट वाज माय फेथ दैट आई हैव इन यू नो ही हैज दैट मैग्नेटिक पावर। तो वो जो बोलते हैं ना, यू वॉन्ट टू बिलीव, यू नो यू डोंट वॉन्ट टू डाउट। तो ये 1.5 साल जो कोविड में मैं आपके वीडियोज देखती थी सोते सोते, यू नो हेडफोन्स लगा के सोते सोते, इट वॉज गोइंग इन टू माई सबकॉन्शियस। जब मैं थक भी जाती हूँ ना, समटाइम्स इज मेडिटेशन, आई लिसन टू हिज वीडियोज, इसकी रेमेडी उसकी रेमेडी, इट हैज़ गॉन इन टू माई सबकॉन्शियस सो मच दैट वेन प्राची पी मेहता हैपेंड, सडनली देर वॉज एन इंक्रीज इन माई इनकम, लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट चेंज एंड आई सेड this is the best gift that I can give you to tell you how beautifully numbers work in our life. We can't avoid numbers, you know. It's thank you so much. So thank you so much. Thank you very much.